सुप्रभात हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। पर्यटन गुजरात के ट्रेवल एजेंटों ने किया शिमला का बायकॉट जाने वजह। समर टूरिस्ट सीजन की शुरुआत में ही हिल्स क्वीन शिमला के पर्यटन कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के ट्रेवल एजेंटों ने शिमला का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। शिमला में टूरिस्ट बसों की एंट्री न मिलने और ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानी के कारण ट्रेवल एजेंट शिमला के स्थान पर टूरिस्ट ग्रुपों को मनाली या कश्मीर भेज रहे हैं। हर साल समर टूरिस्ट सीजन के दौरान अप्रैल में शिमला के होटलों में 60-70% ऑक्यूपेंसी गुजरात के पर्यटकों की रहती है। गुजराती पर्यटक लग्जरी बसों से शिमला पहुंचते हैं। शहर में इन बसों को रात 9 बजे से पहले प्रवेश नहीं मिलता। वहीं इस दौरान ट्रैवल एजेंट्स टैक्सियां बुक कर पर्यटकों को होटलों तक भेजते हैं। हुनरबाज शो के सेमीफाइनल में हिमाचल पुलिस का बैंड। हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड द हारमनी ऑफ पाइन के कलाकारों की जादुई आवाज का माय नगरी में हर कोई कायल हो रहा है। निजी टीवी चैनल के शो हुनरबाज में पुलिस बैंड की टीम ने शानदार प्रस्तुति देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल पुलिस का बैंड इस शो के फाइनल तक पहुंचेगा। हिमाचल पुलिस बैंड का जलवा माय नगरी में पिछले 3 महीने से लगातार जारी है। पिछले कल शो में 5 टीमों ने जगह बनाई थी। इसमें हिमाचल पुलिस की टीम ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 80 लाख के घोटाले के मामले में एचपीयू के सीओई के खिलाफ अभियोजन मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सीओई डॉक्टर जेएस नेगी के खिलाफ सरकार ने अभियोजन मंजूरी दे दी है। राजधानी शिमला स्थित एक्सीलेंस कॉलेज संजोली के 80 लाख रुपए के घोटाले मामले की विजिलेंस जांच करी है। वर्ष 2016 में यह घोटाला सामने आया था। कॉलेज के 3 प्रिंसिपलों पर लाखों रुपए की खरीद फरोख्त की कैश बुक न भरने का आरोप है। वहीं 2 प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा 1 प्रिंसिपल अभी विश्वविद्यालय में बतौर सीओई कार्यरत है। इनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी मिलने से अब विजिलेंस ब्यूरो चार्जशीट दायर कर सकेगा। शिक्षा विभाग की ओर से अभियोजन मंजूरी दी गई है। वर्ष 2016 के दौरान संजोली कॉलेज में 80 लाख रुपए का घोटाला मामला सामने आया था। 2.5 लाख से कैश बुक नहीं भरने की शिकायत मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने मई 2016 में मामले की जाँच के आदेश दिए थे। वोकेशनल कोर्स स्कूली बच्चे करेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस टूरिज्म फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई। स्कूली शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के मकसद से हिमाचल प्रदेश के 97 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कुछ स्कूलों को छोड़कर अन्य में संबंधित विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। इनमें जिला कांगड़ा में ही 20 नए स्कूलों में वोकेशनल की पढ़ाई शुरू हुई है। पांवटा युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की भंग, प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने लिया फैसला। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने पिछले कल पांवटा युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। पांवटा युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप ने पिछले दिनों आपका दामन थाम लिया था। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी पांवटा युवा कांग्रेस नेताओं की शीघ्र बैठक करेगी। वहीं भंडारी ने कहा कि हाईकमान से मंजूरी के बाद पांवटा युवा कांग्रेस कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। रामपुर में जंगल की आग से 4 मकान जलकर राख, 7 परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र लबाना सदाना पंचायत में पिछले कल दोपहर जंगल की आग रिहायशी क्षेत्रों में फैलने से 4 मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में 7 परिवार बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद रिहायशी इलाकों में फैली आग पर काबू पाया, जिससे अन्य घर और गांव इसकी चपेट में आने से बच गए। घटना में लोगों के मकान के साथ ही घरों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। वहीं आग गांव तक फैलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रुमित ठाकुर ने रिहाई के बाद सोलन और अर्की में निकाली रैली। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे रुमित ठाकुर ने 24 दिन हिरासत में रहने के बाद शनिवार यानी पिछले कल सोलन और अर्की में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने रैली निकालकर लोगों को संबोधित किया कि स्वर्ण समाज के लोग चाहेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में 68 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर लड़ाई लड़ी जाएगी।
रूमित को धर्मशाला और शिमला विधानसभा के बाहर आंदोलन करने पर और अर्की थाना में जातिवाद को लेकर भड़काऊ भाषणबाजी करने पर भी मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वहीं शुक्रवार देर रात वो जमानत पर गृह क्षेत्र अर्की पहुंचे, कल जिला मुख्यालय में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश वर्ण समाज के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने सबसे पहले उनके समर्थन में कार्मिक अनशन पर बैठे अपने सहयोगियों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। छात्रा हत्याकांड, डीजीपी संजय कुंडू ने किया मौके का मुआयना, अधिकारियों से की चर्चा। डीजीपी संजय कुंडू ने पिछले कल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब में 15 वर्षीय छात्रा हत्याकांड मामले में घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृतक छात्रा के घर पहुंचकर वारदात के बारे में बारीकी से जाना। डीजीपी ने वारदात और उसके बाद हुई जांच के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इसके बाद डीजीपी ने आरोपी से भी पूछताछ की और उसके परिजनों से भी मिले। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए जांच अधिकारियों को हर छोटे से छोटा साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए हैं। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में परसों गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। कल सीबीआई ने 3 निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और 2 रजिस्ट्रार समेत 7 लोगों को जिला कचहरी शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया। वहीं सीबीआई ने परसों हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़ और हरियाणा में भी ये गिरफ्तारियां की थी। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले कोविड मुक्त, मात्र 6 नए मामले, 75 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोविड का संक्रमण समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के 3 जिले लाहौल स्पीति, बिलासपुर और कुल्लू कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं सिरमौर और हमीरपुर जिला में एक एक एक्टिव केस दर्ज किया गया है। प्रदेश में अब सिर्फ 75 एक्टिव केस रह गए हैं। मनमाफिक फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों की उपायुक्तों से शिकायत करें अभिभावक। हिमाचल प्रदेश में मनमाफिक और बिना आम सभा फीस तय करने वाले निजी स्कूलों की शिकायत अभिभावक जिला उपायुक्तों से कर सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल फीस मामले देखने के लिए जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। सरकार की ओर से दिसंबर 2020 में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का हवाला देते हुए स्कूल फीस मामले हल करने के लिए कहा गया है। उपायुक्तों के पास हल नहीं निकलने पर अभिभावकों को उच्च शिक्षा निदेशालय से संपर्क करने का विकल्प भी दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इस बाबत पत्र भेजे हैं। 30 अप्रैल तक बनाए स्थायी नीति, वोकेशनल शिक्षकों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों ने स्थायी नीति ने प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। इस बारे में एक बार फिर वोकेशनल शिक्षकों ने एक बार प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल तक का समय दिया है। यदि इस अवधि में सरकार को सकारात्मक कदम उठाती है तो वोकेशनल शिक्षक इसका इंतजार करेंगे, उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं वोकेशनल शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मामला वित्त विभाग को गया है। ऐसे में अब वोकेशनल शिक्षक 30 अप्रैल तक सरकार से इस मामले में सकारात्मक पक्ष चाहते हैं। व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष यशवंत ठाकुर का कहना है कि 1100 स्कूलों में कार्यरत 1881 शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। गौर रहे कि वर्ष 2013 में 100 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई है, अब इन स्कूलों का दायरा बढ़कर 1100 हो गया है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।